नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी हम लोग बिहार के पटना में हैं। पटना के दोस्तों दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। दोस्तों आज हम आपको दानापुर रेलवे स्टेशन से लेके चलेंगे, जहाँ पे दानापुर में रेलवे चिकित्सालय है, मंडली चिकित्सालय है, जहाँ पे रेलवे एम्प्लाई लोगों का इलाज होता है या फिर जैसे जिसकी नौकरी लगती है उसका मेडिकल वगैरह होता है तो भेजते हैं, दानापुर में रेफर करते हैं। तो आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे है ये चिकित्सालय और दानापुर रेलवे स्टेशन से कैसे जाए, पूरा रास्ता दिखाते हुए दोस्तों लेके चलेंगे। अभी एक नंबर प्लेटफॉर्म से देखिए, एक नंबर की तरफ से आपको बाहर निकलना है। देखिए ये एक नंबर है, दानापुर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलना है। देखिए ऐसे चलना है, देखिए ये रोड गया है। आइए बैक कैमरे से लेके चलते हैं, दिखाते हैं। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के। आइए दोस्तों दिखाते हैं फिर आपको दानापुर बिहार का। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग, एक नंबर से यहाँ से बाहर अभी हम निकले हैं दानापुर में और लेके चल रहे हैं आपको रेलवे हॉस्पिटल चिकित्सालय। देखिए ये सामने ये गोल चौराहा है, इधर ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये गोल चौराहा है दोस्तों। अगर सिटी जाएंगे, इधर अंदर चले जाएंगे आप लोग, सिटी फुलवारी शरीफ हो गया, इधर आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में, इसको पकड़ जाएंगे तो पटना सिटी चले जाएंगे और इधर लेफ्ट साइड आरा चले जाएंगे, बक्सर चले जाएंगे। ये रोड आरा बक्सर जाएगा और ये पटना सिटी में चला जाएगा, सचिवालय चला जाएगा, ये सब अंदर। तो आइए चलते हैं, हम आपको लेकर के चिकित्सालय दिखाते हैं रेलवे हॉस्पिटल दानापुर का, और जिससे कि आप लोगों का अगर कभी मेडिकल अगर रहे तो आप लोग वीडियो देखकर पहुंच सके। देखिए कंटिन्यू लेके चलेंगे दोस्तों आपको, आप लोग वीडियो देखते हुए जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पटना में ये ऑटो वगैरह यहाँ पे मिलता रहता है, आप लोग ऑटो बुक करके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 500-700 मीटर है, तो आप लोग पैदल जा सकते हैं। और देखिए पटना में यही इलेक्ट्रिक बस चलती है, और हम लोग चल रहे हैं, देखिए यही वाला रोड चलना है, बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए गुरुद्वारा हांडी साहिब 8 किलोमीटर। ये देखिए हम लोग अब चल रहे हैं पटना साहिब 22 किलोमीटर यहाँ से है, और इसी वाले रूट पे चलना है सीधे। और दोस्तों देखिए ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, यही पहचान है। देखिए दानापुर कैंट 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, सगुना मोड़ 4.5 किलोमीटर, सचिवालय 13 किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही चलना है हम लोगों को, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है। और देखिए पहला ये टर्न मिला है आपको, लेफ्ट टर्न, इधर नहीं जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ कार्यालय रेलवे सुरक्षा बल पूर्व मध्य रेलवे दानापुर लिखा हुआ है, लेकिन उधर जाना नहीं है तो सीधे चलना है। और रास्ते में ये भी पड़ेगा अभियंता लाइन पूर्व मध्य रेलवे दानापुर, उधर भी नहीं जाना है तो सीधे चलना हम लोगों को। देखिए हम लोग चल रहे हैं और सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं दानापुर में, और चल रहे हैं हम लोग मेडिकल कराने दानापुर के चिकित्सालय में। सीधे चलना है, अभी कहीं मुड़ना नहीं है, और इसके आगे जो कट आएगा वहीं से लेफ्ट लेना है हम लोगों को, लेफ्ट मुड़ना है। और देखिए हम लोग चल रहे हैं सीधे। दोस्तों अगर आप लोग ऑटो वगैरह बुक करेंगे तो 10-20 रुपये ले लेगा, आप लोग पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 500-700 मीटर है। और आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लगातार वीडियो देखिए। और दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं मेडिकल करवाने, देखिए यहाँ पे आपको मैं अभी नाश्ते की भी दुकान दिखाऊंगा, अगर आप मेडिकल कराने आ रहे हैं, मान लीजिए भूख वगैरह आपको लगेगी। देखिए ये केंद्रीय विद्यालय लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, तो यहीं से लेफ्ट चलना है, हॉस्पिटल अंदर है, देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय लिखा हुआ है, अंदर विद्यालय भी है, और यहाँ से राइट आगे नाश्ता की ढेर सारी दुकानें हैं, हर प्रकार नाश्ता मिलेगा आपको। तो हम लोग यहीं से लेफ्ट चलेंगे हॉस्पिटल, सीधे सिटी में चले जाएंगे, उधर नहीं जाना है, तो हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं। और देखिए ये बोर्ड भी लगा हुआ है अस्पताल मार्ग,
देखिए पूर्व मध्य रेलवे अस्पताल मार्ग बोर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग अस्पताल मार्ग पे चल रहे हैं। देखिए सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, एकदम ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है इस समय प्राकृतिक का। हम लोग चल रहे हैं साथ में, देखिए यहाँ पे साफ सुथरा है कितना, सुबह सुबह टहलने में कितना अच्छा लगता होगा। देखिए लोग अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और दोस्तों आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे पर्ची वगैरह कहाँ पे कटता है, एक्सरे ECG किधर होता है ये भी दिखाएंगे आपको, ब्लड वगैरह जांच किधर होता है, दवा किधर मिलता है, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन आप लोग कंटिन्यू देखिए, ये कितना सफा रहा है सुबह सुबह, देखिए एकदम साफ दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए अधिकारी विश्रामालय है यहाँ पे, अफसर क्लब्स लिखा हुआ है, पूर्व मध्य रेलवे अधिकारी विश्राम गृह। जब कोई गेस्ट वगैरह आता है तो अंदर रुकता है, इसी में विश्राम करते हैं। सीधे चलना है दोस्तों, कहीं इधर उधर नहीं घूमना है। और देखिए रास्ते में ये आपको जयंत चौधरी मंडल रेल प्रबंधक, इनका आवास भी है, रेल सदन लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। सीधे आपको चलना है, और बगल देखिए मेडिकल कॉलोनी पद संख्या 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ भी नहीं जाना है, सीधे चलना है हम लोगों को। देख पा रहे होंगे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, और हॉस्पिटल अभी खुलने वाला है, कुछ घंटों में खुल जाएगा। और यहाँ पे जो दानापुर में स्टाफ लोग हैं, यहाँ पे इनके कॉलोनियाँ भी हैं, देखिए ये दूसरा गेट है इधर, पूर्व मध्य रेलवे रेल सदन का आवास है दोस्तों, प्रेस वाला गेट है इधर। तो अभी सीधे चलना है, थोड़ा सा और रह गया है 100 मीटर, हम लोग पहुंच जाएंगे 100 मीटर में। देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए सुबह सुबह ये बच्चों की स्कूल बस आ गई है, देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए अफसर कॉलोनी पद संख्या 2 इधर है, लेफ्ट साइड में भी आप लोगों ने 1 देखा होगा, और 3 इधर है, मेडिकल कॉलोनी संख्या 3 इस साइड में। ये देखिए हम लोग आ गए हॉस्पिटल, देखिए यही वाला हॉस्पिटल है दोस्तों, यहाँ पे पर्ची वर्ची कटता है इस साइड में, इधर आगे से गेट है। देखिए मंडल चिकित्सालय वाह रोगी विभाग दंत चिकित्सालय नर्सेज ट्रेनिंग सेंटर लिखा है, यही गेट से, देखिए गेट लगा हुआ है, यही गेट से अंदर जाना है दोस्तों, पर्ची वहीं अंदर कटती है, और इस साइड ब्लड वगैरह जांच होता है, एक्सरे होता है इस साइड। देखिए ये मंडल रेलवे चिकित्सालय, हम लोग आ गए हैं, अंदर ECG वगैरह होता है, पहले पर्ची वहाँ कटवाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं इसमें अंदर दोस्तों। आइए अंदर चलते हैं, देखिए ये मंडल रेल अस्पताल, हम लोग आ गए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे साफ़ सुथरा है। पर्ची तो वहीं कटेगी जहाँ आपको मैं दिखाया, तो पहले आपको वहीं जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ से रेफ़र करेंगे। अंदर पार्क वगैरह है, सब कुछ है, बैठने का व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम सब। हम लोग आ गए यहाँ पे, ये और दोस्तों और सामने तो अभी आपको मैं दिखाया, उधर वहाँ पे पर्ची कटती है, देखिए वायु रोगी विभाग। हम लोग पहुँच गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।